हे एवरीवन, सो एक स्टूडेंट का डाउट आया है क्लास 10 का पियर्सन और काइनेमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 50। कलर चेंज कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 50 लेवल 2 का क्वेश्चन है। अब हम अपना थोड़ा सा ध्यान 9 और 10 पर करेंगे क्योंकि 8 की काफी सारी चीजें हुई हैं और जो भी दिक्कत होगा उसमें किया जाएगा। उससे पहले अगर इसका पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन का तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया, वहाँ सारे नोट्स पीडीएफ सारे चीज अपडेट किए जाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन वॉचिंग थ्रू द विंडो ऑफ एन अपार्टमेंट सीज अ बॉल, ओके, बॉल राइजेस वर्टिकली, वर्टिकली है, हॉरिजेंटली नहीं लिखा है। तो हम लोग यहां से समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो प्रॉब्लम होता है, जहां पर एक्सेलरेशन जी होता है, उसका प्रॉब्लम है ना। हॉरिजेंटली नहीं है, वर्टिकली, अब ये एक मेन की है, वर्टिकली अप एंड देन वर्टिकली डाउन फॉर ए टोटल टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड कॉम फुल स्टॉप। इफ द हाइट ऑफ विंडो इज 2 मीटर कॉमा फाइंड द मैक्सिमम हाइट अबव द विंडो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अबव द विंडो, ठीक है, अबव द विंडो लिखा हुआ है, अबव द ग्राउंड नहीं लिखा हुआ है। आप नोटिस करना, अबव द ग्राउंड नहीं लिखा हुआ है, अबव द विंडो लिखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है। रीच्ड बाय द बॉल, जी को कितना लेने की कहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे जी लगभग 9.8 होता है, लेकिन क्वेश्चन में आसानी के लिए हम लोग अधिकतर ले लेते हैं। तो फिर से इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जाकर लिंक में ज्वाइन कर लेना, और प्लस में इसका थ्योरी क्लास 9 का काइनेमेटिक्स का थ्योरी ही क्लास 10 में भी है पूरा, लगभग एक दो टॉपिक बस इधर उधर होगा, लेकिन आप आई बटन पर क्लिक करके उसका देख सकते हो, मैं दे दूंगा वहां पर, और भी चैप्टर्स का देख लेना। तो अब सबका प्रॉपर थ्योरी आएगा, प्रॉपर नोट्स होगा, हर क्वेश्चंस होंगे, और 6 to 10 का सभी पियर्सन का हम लोग कवर करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम एक यहीं पर हम लोग इसको बनाते हैं। तो मान लो कि हमारा विंडो जो है, वो जो बॉय है, ठीक है, वो बॉय का विंडो ग्राउंड से कुछ दूरी पर होगा, है ना, ग्राउंड से कुछ दूरी पर होगा। यहाँ पर हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, और वो कहीं अपार्टमेंट में ऊपर रहता है। हमको नहीं पता कितना हाइट पर रहता है, हमको बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बॉल इसके विंडो से, ये विंडो की कितनी लंबाई होगी, 2 मीटर, ओके, 2 मीटर, 2 मीटर लंबाई होगी, और इसके ऊपर भी बॉल गया है। मान लेते हैं कि विंडो के ऊपर भी एज हाइट तक गया है, ओके, मैंने क्या कहा, वो जो बॉय है वो अपार्टमेंट में रहता है, कहीं ऊंचाई पे होगा, बॉल यहाँ से फेंका गया होगा, है ना, बॉल यहाँ से फेंका गया होगा। मुझे नहीं पता ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे बॉय रहता है, लेकिन ये बॉय यहाँ विंडो पर बैठा हुआ है, ठीक है, और इसने एक बार देखा कि बॉल ऊपर गई, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर वो नीचे आई, और जितने समय उसकी आंखों के सामने रहा वो 0.5 सेकंड था, ओके, 0.5 सेकंड तक उसकी आंखों के सामने रहा। अब ऐसा नहीं है कि विंडो के बाहर वो अपना सर निकाल के देख रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो विंडो के अंदर ही है ना। कुछ लोग सोचेंगे कि विंडो के बाहर सर निकाल के देखेंगे, तब तो मैं पूरा देख लूंगा, नीचे से भी आ रहा है, विंडो के पास भी है और विंडो के ऊपर भी है। नहीं, उसका सर जो है ना, वो विंडो के अंदर ही है और वो बस देख रहा है, अपने घर पर बैठे हुआ है सोफा पे या टेबल पे, और वो देख रहा है कि बॉल ऊपर गई, ठीक है, बॉल ऊपर गई और मैक्सिमम हाइट तक रीच करके फिर से बॉल विंडो से पास की, ओके, तो ये दोनों समय मिला के 0.5 सेकेंड है। और आपको पता है ना कि सिमेट्री होता है, जब भी किसी चीज को हम फेंकते हैं या बॉल को, और वो जाते 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 मान लीजिए मैक्सिमम हाइट पे गया और फिर ये वापस आ गया, तो सिमेट्री होता है। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाने में मान लीजिए 10 सेकंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ आने में भी, यहाँ से यहाँ आने में भी 10 सेकंड लगेगा। उसी तरह से अगर बॉल को मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर लेता हूँ, अगर बॉल को विंडो का, ये विंडो हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर इसको मान लीजिए कितना लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 0.5 लगा है, तो ये पक्का है कि 0.5/2 यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 0.25 सेकंड लगा होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 0.25 सेकंड लगा होगा। सिमेट्री है, ठीक है, ये जाते समय है, जाते समय, और ये आते समय है असेंडिंग का,
ये सिमेट्री होता है, जब भी ये चीज क्लास 9 में भी बताया गया था कि सिमेट्री होता है। ओके वैसे भी सिमेट्री आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे इसमें, कि बॉल को जब भी फेंकते हैं तो जितना समय जाने में लगता है मैक्सिमम हाइट पे, उतना ही समय आने में भी लगता है हमारा ग्राउंड पे। ये बहुत टाइम में सिमेट्री होता है, वेलोसिटी में सिमेट्री होता है, और एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट होता ही है, कितना जी। तो चलो इसको बनाते हैं। ये चीज समझ में आया, विंडो का क्या केस था? तो विंडो का यही चीज था। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो हाइट है मैक्सिमम ना, यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर फिर से बना लेता हूँ। ये मैक्सिमम हाइट रीच किया होगा बॉल, और यहाँ पर से ये 0.25 सेकंड लगा होगा, और इधर से आने में भी 0.25 सेकंड लगा होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट एंच है। एक तो जाते समय का है और एक आते समय है, ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो हम एंच को मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर तो यू जीरो होगा आते समय, है ना, आते समय यू तो जीरो होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन तो जी टी स्क्वायर है ना। ये सब क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, याद रखना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना जी के बराबर। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता तो ये क्या इक्वेशन लगता है, नहीं। और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आपको याद होगा कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ क्या है, मोशन है। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसलिए एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि डिस्टेंस को। ये हम लोग देख भी चुके हैं काइनेमेटिक्स वाले लेक्चर में। तो हमारा एस कितना है, एच है, और यू कितना है, जीरो है, और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, है ना। यानी कि एच इज इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं कि यहां से यहां तक आने में इसको टी वन समय लगा, तो कितना हो जाएगा, हाफ जी टी वन स्क्वायर। ओके, यानी कि एच और कुछ नहीं। लेकिन अब विंडो की भी तो बात है, और विंडो खुद की लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। तो यानी कि अगर इसके लिए लगाएंगे बॉल की, यहां से यहां तक के लिए लगाएंगे, ठीक है, यहां से यहां तक के लिए, आ रही बात समझ में, यहां से यहां तक के लिए अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एस कितना हो जाएगा, एच प्लस टू। क्यों, क्योंकि ये विंडो का हाइट भी तो आ जाएगा ना, एच प्लस विंडो का हाइट 2 मीटर, और यहां से क्या हो जाएगा, u अभी भी जीरो है, और प्लस हाफ g, लेकिन t कितना रखेंगे, तो t रखेंगे t प्लस 0.25 सेकंड रखेंगे का होल स्क्वायर t1 प्लस, क्योंकि मैक्सिमम हाइट से विंडो के यहां तक आने में कितना समय लगता है, t1 समय, मैंने खुद माना था। और फिर विंडो को कवर करने में कितना समय लगेगा, 0.25 सेकंड, 0.5 सेकंड ही लगेगा, क्योंकि 0.5 सेकंड आते और जाते समय वो बॉय देख रहा है दोनों समय, और सीन सिमेट्री होता है, इसका मतलब जरूर 0.25 सेकंड जाते समय विंड उसने उसका उसने देखा होगा, और आते समय 0.25 सेकंड उसने बॉल को देखा होगा। इतने समय केवल देखा है, जाते समय 0.25 सेकंड देखा है बॉल को उसने, और आते समय विंडो पर उसने 0.25 सेकंड देखा है, ये चीज याद रखना होगा। और 0.25 को कितना लिख सकते हैं, 1/4 भी तो लिख सकते हैं ना, तो उसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से h प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इंटू जी 10 लेने के लिए बोला है, तो 2 5 10, तो 5 इंटू, और t1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और आपको पता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पोलिनोमियल्स अगर नहीं पढ़ा हो तो क्लास 8 का पोलिनोमियल्स का 15 लेक्चर बनाया हुआ है, उसको भी आई बटन में दे देता हूँ। तो एच, अच्छा एच का वैल्यू कितना है हमारा, एच कितना है हमारा, देख लो, एच हाफ जी टी वन स्क्वायर है यहाँ से, और यहाँ से इसका मतलब 5t1 स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 5 10 हो जाएगा। तो यानी इक्वेशन 1 से हमारा एच का वैल्यू कितना है, 5t1 स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 5t1 स्क्वायर प्लस 2, एच के वैल्यू यही पर है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम ब्रेक कर दें, तो t1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, t1/2, क्योंकि 2ab करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नीचे का 4 2 टाइम्स, और प्लस 1/16। तो यहां से क्या आ जाएगा, 5t1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5t1 स्क्वायर प्लस 5t1/2 प्लस 5/16। अब t का वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकता है, t नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा थोड़ी है कि t जीरो होगा, कहने मतलब t1 का वैल्यू कभी भी जीरो होगा क्या, नहीं।
कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा ना बॉल को यहां से, वो मैक्सिमम हाइट ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट उसको कहते हैं जहां पर जाके बॉल का वेलोसिटी जीरो हो जाता है और अपना डायरेक्शन रिवर्स करके दोबारा ग्राउंड पे आने लगता है। तो मैक्सिमम हाइट से जब ये विंडो के सबसे पहले वाले किनारे को जब टच करने वाला होगा तो यहां से यहां तक जीरो थोड़ी लगेगा, समय जीरो नहीं लगेगा। तो जब जीरो नहीं लगेगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं किसको, 5t1 square 5t1 square को। ओके, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 5t1 by 2 = 2 - 5/16 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 5t1 by 2 = 16 × 32 एलसीएम ले लो, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन का क्या है, सब्सट्रैक्शन है, तो 32 में से 5 गया 27/16 यही होगा ना, और 2 × 8 = 16 और यहां से टी वन क्या आ जाएगा हमारा 27/40 यही आ जाएगा। यानी कि ये वह टाइम है जब बॉल मैक्सिमम हाइट से विंडो के शुरुआती छोर पे आने के लिए लगेगा, ठीक है, ये पूरा क्या है हमारा विंडो है। तो यहां से मैक्सिमम हाइट से विंडो के सबसे पहले वाले छोर पे आने के लिए कितना समय लग रहा है, 27/40 सेकंड। उसके बाद फिर ये विंडो को क्रॉस भी करेगा ना, ये विंडो को क्रॉस भी तो करेगा, और विंडो को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है, 0.25 सेकंड। लेकिन हमें तो बस मैक्सिमम हाइट चाहिए किससे, विंडो से, ना कि ग्राउंड से। ग्राउंड से निकाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि डाटा नहीं दिया हुआ है उतना। तो विंडो से मैक्सिमम हाइट कितना है, एच है, और मुझे पता है कि पहला इक्वेशन से एच इज इक्वल टू 5t1 स्क्वायर है और t1 का वैल्यू मुझे निकल गया है। तो मैक्सिमम हाइट अबव द विंडो, मैक्सिमम हाइट अबव द विंडो कितना हो जाएगा, अबव द विंडो कितना हो जाएगा, अबव द विंडो 5t1 स्क्वायर। तो 5 और 27/40 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.278 मीटर। अब दिक्कत यह है कि आपके बुक में 160 मीटर आंसर दिया हुआ है, एक ऐसे के इसी का सेकंड पार्ट का, पता नहीं कैसे दे दिया है 160, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। और मैंने भी खूब सोचा कि 160 कब आएगा, 160 शायद तब आ रहा है जब ये मैक्सिमम हाइट किससे पूछ रहा है, ग्राउंड से, क्योंकि बॉय जो अपार्टमेंट में है और उसकी अपार्टमेंट कुछ ऊंचाई पर होगी। तो मुझे लगा कि यार मैक्सिमम हाइट कहां से, ग्राउंड से दिया। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको टाइम चाहिए कि मैक्सिमम हाइट के लिए है ना, कि कितने समय में ग्राउंड पर आ रहा है, लेकिन ये सब नहीं, ये 160 कुछ किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो आप घबराना मत, इसका आंसर यही है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, यही है 2.278। यानी कि विंडो से ठीक है, विंडो से मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, 2.278, और विंडो की खुद की ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर है। तो ये समझ में आ रही है बात, इसी को देखना था, 0.25 आप इसको देखना चाहिए था, ठीक है। सिमेट्री होता है, बॉय 0.5 सेकंड तक देखा बॉल को, लेकिन आते जाते दोनों में देखा ना, ठीक है, आते जाते दोनों में देखा, और सिमेट्री होती है, जितना समय यहां से यहां जाने में लगा होगा उतना ही समय यहां से, ठीक है, जितना समय यहां से यहां जाने में लगा होगा उतना ही समय यहां से यहां आने में लगा होगा, इसीलिए हमने डिवाइड कर दिया 2 से। समझ में आया क्या हुआ, 2 इक्वेशन बनाए हम लोगों ने। एक तो हमने क्या किया कि मान लिया कि मैक्सिमम हाइट से विंडो के पहले वाले छोर पर आने के लिए हमें कितना समय लगा, t1 समय, और हाइट कितना लिया, एच लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि टोटल हमने ले लिया, टोटल ले लिया हमने इसको, तो एस क्या हो गया हमारा, एच प्लस 2, क्योंकि विंडो का हाइट भी हमने जोड़ लिया और यू अभी भी 0 है क्योंकि मैक्सिमम हाइट से हमें आ रहे हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0 है, तो और हाफ। अब टी गिवन की जगह t1 प्लस 0.25, ठीक है, T1 नहीं लिखेंगे, 0.25 लिखेंगे। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। सो इसका PDF डाउनलोड करना हो तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हो, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रिक्वेस्ट पे था, तो सारे चीज़ों को अब किया जाएगा थ्योरी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।